बेहद स्वागत है जी, सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर हाजिर हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 21 पास आउट हैं, 22 पास आउट हैं, और जिनके लिए अब ऑस्ट्रेलिया के किसी भी कॉलेज से एडमिशन और डेफर ऑफर लेटर या डेफर लेना बड़ा मुश्किल है। मतलब वो स्टूडेंट्स जिनको अभी ऑस्ट्रेलिया मुश्किल है, उनके लिए न्यूजीलैंड कैसे एक अच्छी ऑप्शन बन सकता है, कैसे वो अभी न्यूजीलैंड जा सकते हैं। और जैसे पिछले शो में भी वीना मैम ने हमें बताया कि अगर स्टडी लोन स्टूडेंट्स करते हैं तो फंड्स शो करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी लोन को इमीडिएट आप अगर ले लेते हैं तो फिर पुराने फंड्स की भी न्यूजीलैंड में ज़रूरत नहीं है। न्यूजीलैंड अपने आप में कितनी अच्छी डेस्टिनेशन है, और क्या न्यूजीलैंड में स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी स्टूडेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया की कोई ऑप्शन है? अगर स्टूडेंट एक साल या दो साल का कोई कोर्स न्यूजीलैंड में करे तो क्या उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑप्शंस खुलते हैं? ये उन स्टूडेंट्स के लिए आज खास शो है। आपका बहुत स्वागत है। वीना गोयल मैम हमारे साथ मौजूद हैं जो नेविगेटर ओवरसीज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। 26 साल का एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का। मैम आपका स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। 21 पास आउट या 22 पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा, ऑफर लेटर नहीं मिल रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फंड्स नहीं है या जीटी उनकी क्लियर नहीं हुई, क्या न्यूजीलैंड उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है? और न्यूजीलैंड के कोई छोटे कोर्सेज भी हैं एक साल डेढ़ साल, जिसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी ऑप्शन बना सकें? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस यू नो प्लेटफॉर्म। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो बच्चे 21-22 पास आउट हैं, ज़्यादातर जो अब बच्चों की इंक्वायरीज आ रही हैं वो 22 पास आउट, जो कि जीटी जिनका क्लियर नहीं हुआ, या काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन आ रहे हैं जो लोकल एजेंट्स को दे के और उनका मतलब किसी ना किसी हिसाब से उनका मतलब वो फंस गए हुए हैं केसेस उनके। और अब जो है ऑस्ट्रेलिया जो है सबको ही पता है कि प्लस टू के बाद, ट्वेल्थ के बाद 1 ईयर से ज़्यादा गैप वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो ये बच्चों के लिए एक बड़ी स्ट्रगल है, पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि आप पढ़ने जा रहे हो, एक पर्टिकुलर कंट्री में जा रहे हो, अगर कंट्री क्राइम फ्री है, क्लाइमेट अच्छा है, तो आप इसीलिए उसको देख रहे हो। लेकिन अगर आप ये सोच के जाते हो कि मेरा रिलेटिव वहाँ है इसीलिए मैंने जाना है, और उस चक्कर में अगर आपका प्रोफाइल नहीं बन रहा है तो आप ज़बरदस्ती अपने पैसे ख़राब कर रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं है। आपका अगर प्रोफाइल ख़राब हो जाता है वो आपके पैसे का भी नुकसान है और आपको भी डीमोटिवेट कर रहा है। तो जो भी बच्चों का बाई चांस कोई रिजेक्शन हुआ है या केस निकल नहीं पाया है तो वो सब न्यूजीलैंड या और बाकी कंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साथ है, इसलिए हम आपको न्यूजीलैंड का गाइड कर रहे हैं। सेकंड, न्यूजीलैंड में जो फीस है वो आफ्टर वीज़ा जानी है, उससे पहले खाली एक PCC और मेडिकल जानना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि एक न्यूजीलैंड को स्टडी वीज़ा के लिए एक अच्छा डेस्टिनेशन बनाती हैं, जो एक जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस स्टूडेंट की जो है वो बनाती हैं। क्लाइमेट वाइज देखिए कि वो वेदर जो है वो ऑस्ट्रेलिया से मच बेटर है, मतलब बहुत अच्छा वेदर है न्यूजीलैंड का। अब आप ये कहेंगे कि न्यूजीलैंड में अगर रिजेक्शन हो गया तो भी दे आर सो ऑनेस्ट कि आपने अगर उनको ऑनेस्टली बोल दिया मेरा रिजेक्शन हो गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली आपको जो अगर ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में आपने जो कोर्स लिया था, कोर्स आपको वो ही चूज करना पड़ेगा न्यूजीलैंड में। अच्छा, अगर ऑस्ट्रेलिया में जिस कोर्स की रिफ्यूजल आई है वही कोर्स आप न्यूजीलैंड में चूज करेंगे? बिल्कुल। okay. आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जेन्युइन स्टूडेंट की उसमें खाली इनका एक यही है कि यू कैन नॉट चेंज योर कोर्स। जैसे कि कैनेडा में आप 10 बार भी कोर्स चेंज कर लो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड में आप कोर्स चेंज नहीं कर सकते, सेम कोर्स में आप जाओगे। सेकेंड क्या है कि आपकी ITR जो हम प्रेफर करते हैं 10 लाख एंड अबव, जैसे पेरेंट्स की 5 लाख की एटलीस्ट जो होती हैं वो टैक्स फ्री होती हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स वही करते हैं, तो उस कैटेगरी में इनके इनकम टैक्स रिटर्न्स हों। और जो फंडिंग है वो 6 मंथ ओल्ड हो, कुछ सेविंग होती हैं और फैमिली में कुछ बैंक लोन होता है, वही एक जेन्यून आपको इसके लिए बनाता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। कि अगर कोई भी बच्चे के पेरेंट्स के इनकम टैक्स रिटर्न है और कुछ उनका जो है कुछ फंड्स हैं, फैमिली की सेविंग है, कुछ उनका बैंक लोन है। अब जैसे कल जम्मू से एक इंक्वायरी आई थी, 10 लाख की सेविंग थी और 15 लाख की, बाकी बैंक लोन करा रहे हैं,
32-35 लाख या समटाइम यू नीड 27-28 लाख, डिपेंड ऑन द कोर्स। कि कोर्स के जो एक आमतौर पे जो फीस है वो $25,000 to $30,000 मिनिमम फीस होती है। तो आप अगर 2 ईयर का कोर्स ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के लिविंग एक्सपेंसेस और आपको फीस दिखानी होती है। सेकंड ईयर के आपकी अगर इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी है फिर फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज दे कैन आस्क कि आप सेकंड ईयर की फ़ीस कैसे करोगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आइल्स जो है 5.5 वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 बैंड एंड अबव तो अच्छा प्रोफाइल हो ही जाता है। अब आपने जो कहा मिनिमम कोर्सेज, कम ड्यूरेशन के कोर्सेज, 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर, ये प्लस टू वाले स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट 1 ईयर का सर्टिफिकेट होता है, 2 ईयर का डिप्लोमा होता है और 3 ईयर की बैचलर या एडवांस डिप्लोमा। तो ज़्यादातर बच्चे बैचलर लेते हैं, रीज़न बीइंग कि 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिलता है, उनको एक लंबा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल जाता है। और जो ग्रीन लिस्ट है उसको भी थोड़ा ध्यान रखते हैं बच्चे, क्योंकि कितने सारे हमने जो आपको बेनिफिट बताए हैं न्यूजीलैंड के, तो उसमें एक ये भी बेनिफिट है कि जो भी अगर आप वहाँ पे ये कहते हो कि हमें मेरे को वहाँ पे सेटल होना है, तो वो कहते हैं वी आर मोर देन हैप्पी कि आपको हमारी कंट्री में अगर काम मिलता है और अगर आप एलिजिबल हैं PR के तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। जैसे बाकी कंट्रीज़ में आप कहते हो हमें वापस आना है, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो ये हमें नहीं मालूम, लेकिन आप SOP में ये बात लिखते हो तो हम वैसे कहते हैं हाँ जी आप वापस जा रहे हो। लेकिन न्यूजीलैंड हाई कमीशन, वेरी ऑनेस्ट हाई कमीशन, कहते हैं दे आर मोर देन हैप्पी कि आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरे को वहाँ अगर काम मिल गया तो आई कैन सेटल देयर। तो ये देखो आपको, और साथ में ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साथ है। अब अगर आपने बैचलर वहाँ पर कर ली और आपकी इच्छा है कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, मैं मास्टर वहाँ से कर लूँ, यहाँ आपने 2 ईयर का डिप्लोमा कर ली या 2 साल के आप क्रेडिट लेके 3rd ईयर टॉपअप प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो। फिर बिल्कुल साथ में कंट्रीज़ हैं, इनके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल गया, आपको रेजिडेंसी मिल गई अगर न्यूजीलैंड की, तो आप उसमें ही आप इवन ऑस्ट्रेलिया में काम मिलता है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। पीछे तो जितने न्यूजीलैंडर्स थे उन सबको ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ रेजिडेंसी भी दे दी थी। जी मैम, तो अगर अगर सर्टिफिकेट कोई स्टूडेंट करता है 1 साल का, सर्टिफिकेट कोर्स के बाद भी पॉसिबिलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन स्टूडेंट ले ले? आपको क्रेडिट लेने होते हैं, क्योंकि आपने अगर 1 ईयर का कर लिया तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में वहाँ से जो है अपने ट्रांसक्रिप्ट भेजोगे। ट्रांसक्रिप्ट मीन्स के जो मार्कशीट्स वगैरह इनको मिली हैं। अब मान लीजिए किसी भी कोर्स में फर्स्ट ईयर में 8 सब्जेक्ट हैं, तो अगर वो 8 के 8 उस यूनिवर्सिटी के साथ मैच कर रहे हैं, लाइक बैचलर ऑफ बिजनेस, और बच्चे ने जो है फर्स्ट ईयर जो सर्टिफिकेट बिजनेस का किया, तो वो 8 सब्जेक्ट अगर सेम पढ़े हैं तो वो इसको बच्चे को सेकेंड ईयर में एडमिशन दे देते हैं। और अगर मान लीजिए इसने 2 साल का किया और उन 2 साल में इसके मैं मान के चलती हूँ कि 16 सब्जेक्ट हैं, तो 16 में अगर 14 भी इसके मैच कर रहे हैं तो 2 सब्जेक्ट एडिशनल पढ़ के 3rd ईयर में जा सकते हैं। तो इनका ये हर कंट्री का यही रहता है, टॉपअप प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें कि क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना है तो वहाँ 2 ईयर्स की स्टडी जरूरी है। और सेकंड मैंने आपको बताया, अभी ये बैचलर की बात कर रहे थे, मास्टर्स के लिए तो इनके जो न्यूजीलैंड के कुछ मास्टर्स के प्रोग्राम हैं वो 1.5 ईयर्स के भी हैं कि 1.5 साल आप मास्टर्स करके 3 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले सकते हैं, फैमिली को साथ लेके जा सकते हैं। मतलब हमने ये देखा कि कितने सारे प्लस पॉइंट्स हैं, फैमिली को आप साथ लेके जा सकते हो, आप फीस वीज़ा के बाद दे रहे हो, आप ऑनेस्टली उनको बोल रहे हो अगर मेरे को काम मिल गया तो मैं वहाँ रह सकता हूँ। तो इससे अच्छा मेरे ख्याल इतने सारी फैसिलिटीज किसी और कंट्री में नहीं मिलती हैं। बिल्कुल। सो 10+2 के बाद आप जेन्युइन तरीके से न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी लोन से जा सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया 21 पास आउट, 22 पास आउट, तो ऑस्ट्रेलिया में 21 पास आउट, अगर 21 पास आउट से पुराने स्टूडेंट हैं, 19 पास आउट हैं या 20 पास आउट हैं, क्या वो भी न्यूजीलैंड के जरिए जा सकते हैं? अगर गैप जस्टिफिकेशन स्टूडेंट्स के पास है, प्रॉपर है जी, कि ये गैप क्यों आया, वो जॉब कर रहे हैं, सैलरी स्लिप्स है, अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं या कुछ भी, कोई डिप्लोमा की है, मतलब कुछ भी अगर उनके पास गैप जस्टिफिकेशन है तो वो जा सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है 2 से 3 साल से ज़्यादा गैप वाले बच्चों को, अगर जब तक कि उनका बहुत स्ट्रांग रीजन्स रहा हो
तब तक हम नहीं, क्योंकि वी डोंट वांट टू वेस्ट देयर टाइम एंड आवर टाइम एज वेल। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो बड़ी अच्छी ऑप्शंस आज वीना मैम ने हमको बताई हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं हो रहा तो न्यूजीलैंड कैसे आपके लिए एक जेन्युइन एक वे है वहाँ जाके पढ़ने का, सेटल होने का भी, और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हो, एक तरीके से न्यूजीलैंड को भी हम ऑस्ट्रेलिया का बड़ा जेन्युइन पाथवे मान के उसको सोच सकते हैं। तो स्क्रीन पे नंबर है, आप किसी भी हिस्से में हैं देश के, आप फ़ोन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी वीना मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।